अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे आप लोग सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छी होगी। चलिए आज हम बनाएंगे हलवा ग्रीन फिश करी यूनिक स्टाइल। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा एंड तक देखिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आपके जो भी फैमिली है फ्रेंड्स में सबको शेयर कीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने आधा किलो हलवा फ़िश लिए है, दो मीडियम साइज़ की प्याज लिए हमने, इसको रफली चॉप किए हैं। 10 से 12 हमने हरी मिर्ची लिए है, 1 इंच का अदरक का टुकड़ा लिए है और 15 हमने लहसुन की कली लिए छीलकर, 1 प्याली हमने कोथमीर लिए है और यहाँ पर हमने अक्खे गरम मसाले लिए है, 1 टेबल स्पून हमने ज़ीरा लिए है, 4 लौंग, 1 बड़ी इलायची, 5 छोटी इलायची, 1/2 चम्मच काला मिरी और यहाँ पर हमने छोटे छोटे 3 टुकड़े दालचीनी के लिए हैं और यहाँ पर हमने छोटे 2 टुकड़े तेज़पत्ते के लिए, 4 से 5 लौंग और यहाँ पर हमने 4 टेबलस्पून नारियल का बुरादा लिए है, 1 टेबलस्पून हमने धनिया पाउडर लिए है, 1/2 टेबलस्पून हल्दी लिए, 1 टेबलस्पून हमने कस्तूरी मेथी लिए और यहाँ पर 1 प्याली पुदीना लिए है, 5 टेबलस्पून हमने दही लिए। हम सबसे पहले फिश में हल्दी और नमक लगा लेते हैं। यहाँ पर हमने हल्दी और 1/4 हमने नमक ले लेना है। यहाँ पर हमने हल्दी और नमक को अच्छे से सारी मच्छियों में लगा लेना है। मच्छी आप अपने हिसाब से कोई भी आप जो पसंद करते हो वो ले सकते हो। हमने अच्छे से हल्दी और नमक सारी मच्छियों में हमने लगा दिए हैं। अभी हम इसको रख देते साइड पे 1/2 घंटे के लिए। एक मिक्सर के जार में हमने रफली चॉप की हुई प्याज पीस लेना है बारीक। देखिए हमने बिना पानी डाले इसको हमने प्याज को पीसकर तैयार कर लिए। अभी दूसरे जार में हमने दूसरे मसाले ले लेना है। यहाँ पर हमने हरी मिर्ची ले लेना है। हरी मिर्ची आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। हरी मिर्ची, लहसुन, अदरक और यहाँ पर हमने ले लेना है पुदीना फ्रेश और कोथमीर। यहाँ पर हमने ज़ीरा, छोटी इलायची और काला मिरी ये भी हमको पीसने में लेना है। यहाँ पर हमने नारियल का बुरादा भी ले लेना है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप नॉर्मल वाला खोपरा 1 टुकड़ा वो भी ले सकते हो। यहाँ पर हमने थोड़ा सी 2 से 3 टेबलस्पून हमने इसमें पानी शामिल करना है। इसके बाद हम अच्छे से इसको बारीक ग्राइंड कर लेंगे। 1 तपेली में हमने कुकिंग ऑयल शामिल किए है, 1 प्याली। अभी हम इसको गरम करेंगे और साबुत गरम मसाले जो अक्के हैं बचे हुए वो भी हम इसमें डाल देंगे। तेज़पत्ता, बड़ी इलायची और 2 छोटी इलायची, लौंग ये बचा हुआ हम इसमें ऐड करेंगे। देखिए बाकी दूसरा मसाला हम इसमें ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाह। गरम मसाला अच्छा चटकने के बाद हम पीसी हुई प्याज इसमें ऐड कर देंगे। गरम मसाले का फ्लेवर अच्छे से आ गया ऑयल में। अभी हम प्याज डाल देते हैं इसमें। प्याज का सी कलर चेंज करना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। थोड़ा सी प्याज का कलर चेंज हो गया, हमको ज़्यादा नहीं थोड़ा सी कलर चेंज करना है। इसके बाद में हम जो दूसरे मसाले पीसे थे वो ऐड कर देंगे। अब इसको भी हम अच्छे से तेल ऊपर आए तक अच्छे से भूनेंगे 5 से 7 मिनट। जो भी मिक्सर के जार में हमने जो भी थोड़ा बहुत मसाला लगा रहता है उसमें भी थोड़ा सी पानी ऐड करके हम इसमें ऐड कर देंगे। देखिए जार में हमने 1/2 प्याली पानी ऐड करके अच्छे से जो एक्स्ट्रा मसाला था जार में वो हमने इसमें ऐड कर दिए है। अभी हम इसको अच्छे से भून लेंगे। इसको मीन्स अभी हम ढक कर रख देंगे इसको 5 से 7 मिनट। दूसरे गैस पे हमने 1 पैन रखे हैं, उसमें हमने डाल देना है 1 प्याली तेल। तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अभी 1-1 फिश हम इसमें डालते जाएंगे। इसको अलट पलट कर हम 5-5 मिनट अलट पलट कर पका लेंगे। इससे ज़्यादा हमको नहीं करना है, इससे हल्दी और नमक ऐड किए ना हमने।
बस थोड़ा से अलग पलट कर हम इसको पका लेंगे, फ्राई कर लेंगे। हमने इसको अलग पलट कर 5-5 मिनट पका लिए हैं। इसी तरह हमने दूसरी भी फिश फ्राई करके निकाल लेना है। प्लेट हो चुका है, देखते हैं हम। बिस्मिल्लाह, देखिए तेल अच्छे से मसाला ऊपर छोड़ दिया है। देखिए तेल माशाल्लाह। अभी हम इसमें डाल देते हैं धनिया पाउडर, इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए हमने धनिया अच्छे से मिक्स कर लिए पाउडर, और यहाँ पर हमने ऐड कर देना है अच्छी गाढ़ी दही। दही ऐड करने के बाद हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे। अब इसको भी हम अच्छे से 1-2 मिनट अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारे मसालों के साथ। देखिए 1-2 मिनट हमने अच्छे से दही को भी मिक्स कर लिए है। अभी हम इसमें डाल देते 1 गिलास पानी। आप अपने हिसाब से ग्रेवी रखिए, आप जैसा मीन्स आपको जिस चीज़ों से खाना है, मतलब ये राइस के साथ या रोटी या पाव के साथ, वो हिसाब से आप लोग ग्रेवी रखिए। अभी हम इसको 5-6 मिनट और अच्छे से ग्रेवी बॉयल आने तक पकाते रहेंगे। ग्रेवी में अच्छा बॉयल आ गया है और माशाल्लाह अच्छी तरी भी आ गई है, ग्रीन तरी। अब यहाँ पर हम 1-1 पीस इसमें डालते जाएंगे। आप लोग रेड सालन तो बनाते होंगे, इस तरह से भी आप ग्रीन मच्छी का सालन बनाइए, आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा एंड तक देखिए, तब भी आपको समझ में आएगा कि ये ग्रीन सालन कैसा बनता है। तो आप लोग भी सीखिए हमारे तरीके से बनाना। देखिए हमने सारी फिश इसमें ऐड कर दी है ग्रेवी में। अभी हमको हसबे जायका नमक ऐड करना है, और यहाँ पर हमने कस्तूरी मेथी अच्छे से तवे पे रोस्ट कर लिए थे। देखिए इस तरह से क्रश कर लेंगे इसको, हम भून कर डालेंगे। इसका टेस्ट ही अलग आता है, क्रंची क्रंची अच्छी लगती है कस्तूरी मेथी। अभी हमने इसमें कस्तूरी मेथी भी ऐड कर देना है। 1 टेबल स्पून हमने लिए थे, इसको अच्छे से भून कर ऐड कर दिए हैं। और यहाँ पर हमने 1/4 गरम मसाला पाउडर स्प्रिंकल कर देना है पाउडर। देखिए एकदम हल्के हाथों से हमको इस तरह से, ये वाला चम्मच रहेगा तो बहुत ही बेहतर है, दूसरा जो स्टील का चम्मच आता है ना, अगर आपके पास लकड़े का चम्मच है ना उससे भी आप लोग इस तरह से चलाकर, देखिए ऊपर नीचे मसाला जो भी हमने अभी ऐड किए कस्तूरी मेथी गरम मसाला पाउडर, धीरे से एकदम इस तरह से चलाकर अभी हम इसको ढक देते हैं 5 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पे। इसके बाद हम कर देंगे गैस को बंद। देखिए माशाल्लाह 10 मिनट हो चुका है, बिस्मिल्लाह। देखिए माशाल्लाह, मेरे अल्लाह की शान, देखिए क्या बढ़िया तरी आई है दोस्तों, पूरी तरह से रेडी हो गया है। अभी हम डिश आउट करते हैं बिस्मिल्लाह की बरकत। एकदम ध्यान से एकदम संभाल के 1-1 पीस हम निकालते जाएंगे एक बॉल में, बिस्मिल्लाह। देखिए दोस्तों हमने डिश आउट कर दिए है। अभी और खूबसूरती के लिए हमने इसमें ऐड कर देना है हरा धनिया। देखिए माशाल्लाह बहुत ही बढ़िया लग रही है, लजीज और यूनिक स्टाइल है। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, और कमेंट में बताइए कि आप लोग को मेरी ग्रीन फिश करी की रेसिपी कैसी लगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिए, ताकि नई नई वीडियो जो भी रेसिपी हम डालते हैं वो आप तक पहुँचे। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो प्लीज़ प्यारी सी कमेंट कीजिए, दुआ में याद रखिए। तब तक अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।